नहीं दया, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा यार। जब भी पिकनिक का प्रोग्राम बनता है तुम लास्ट मिनट में गायब हो जाते हो। हाँ सर, पिछली बार भी जब हम सब लोग पिकनिक मनाने के लिए खंडाला जाने वाले थे, आपके किसी दोस्त की शादी बीच में आ गई। अच्छा ठीक है, इस बार पिकनिक का प्लान कैंसिल नहीं हो। बोलो कहाँ जाना है पिकनिक के लिए? सर गोवा। गोवा चले सर? अरे नहीं, गोवा बहुत दूर है, एसीपी साहब इतनी लंबी छुट्टी देंगे नहीं, कहीं आसपास चलते हैं भाई। सर तो फिर माथेरान या अलीबाग चलते हैं, ये दोनों जगह भी अच्छे हैं, वहाँ जा सकते हैं। सर सर मैं अपनी वाइफ को साथ लेकर आ सकता हूँ क्या? अरे यार अरे कोई तो होना चाहिए तेरे डाइट को कंट्रोल करने के लिए। अरे सर बच्ची, अरे ये ओ माय गॉड, ये तो बहुत घायल है, क्या हुआ बेटा? हैं तो बेहोश हो गई, क्या हुआ इसे बेटा? क्या हुआ हैं? आंखें खोलो, आंखें खोलो, पानी ले आओ। सर मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। बच्चा उठो। सर ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है, कहीं ऐसे कुछ हो तो नहीं गया? उठ जाओ बेटा, ये नब्ज सब ठीक चल रही है। बेटा उठ जाओ बेटा, उठो बेटा, तू बेटा आपके कपड़ों में ये खून कहाँ से आया, क्या हुआ आपको? सर मैं देखती हूँ, मैं आपके हाथ चेक करती हूँ। ओके बेटा गुड गर्ल। सर ये खून किसी और का है, इसके दोनों हाथों पर कोई चोट का निशान नहीं। बेटा ये खून आपके कपड़ों पे, ये आपके हाथों पे कहां से आया? हाँ लगता है बच्ची काफी सदमे में है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। इसकी जेब में चिट्ठी, भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसकी जान खतरे में। ये मासूम बच्चे की जिंदगी कौन लेना चाहता है? एक काम करते हैं, आपको हम इन सब से इंट्रोड्यूस करते हैं आपके नए दोस्तों से। हा? ये अभिजीत अंकल है। और बेटा मैं हूं तुम्हारा फ्रेडी अंकल। मालूम है जब मुझे छुट्टी मिलती है ना तो मैं आप जैसे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। पर सर मुझे लगता है इस प्यारी सी बच्ची को क्रिकेट नहीं पसंद, ये अपनी श्रेया दीदी के साथ गुड़िया खेलेगी। खेलो बेटा। से लगता है इसे आप लोगों के साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं है। यानी कल्याणी मेरे साथ दोस्ती करेगी है ना? ले ले ले। अब हमारा नया दोस्त हमें अपना नाम नहीं बताएगा? ईशी। वाह तो बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम? बेटा मेरा नाम दया है। बेटा ये बताइए कि आप यहाँ यहाँ कैसे पहुंचे? पापा ने छोड़ा। पापा? आपके पापा को चोट लगी हुई है क्या? उनको बहुत खून बह रहा। बेटा आपकी मम्मी वो कहाँ है? ऊपर आसमान में तारा बन के। आपका घर कहाँ है बेटा? पापा और मैं होटल में रहते हैं। अच्छा आपका ये होटल कहाँ है जहाँ पे आप और आपके पापा रहते हैं? बहुत बड़ी एक होटल है, उसमें 3 स्विमिंग पूल है। ओहो लगता है आपको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। अरे वाह, लेटर देख के लगता है इनके पापा को शायद घर में खतरा था इसलिए होटल में रुके हुए थे। पर अगर इसके पापा यहाँ तक आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए? हाँ सर, और होटल में चेक इन करने से पहले उन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं मांगी? अब ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, बस यही उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो और वक्त रहते उनका इलाज हो जाए। आसपास जितने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक है सब जगह चेक करते हैं। और यहाँ शहर में जितने होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पे इसी की फोटोग्राफ्स भेज देते हैं। ठीक है। इसी बेटा आपके पापा का नाम क्या है? नाम से नहीं बुलाती। अच्छा पापा को पापा क्या बुलाती हो? अच्छा पापा को दूसरे लोग क्या कहके बुलाते हैं, उनके दोस्त क्या कहते हैं? मयंक। मयंक, और मेरे ईशी बेटी का पूरा नाम क्या है? ईशी कुमार, मतलब मयंक कुमार। मगर हम मयंक को देख भी लेंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे? लगता है हमें ईशी को अपने साथ ले जाना होगा।
सुनिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या आज मयंक कुमार नाम का कोई पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ? हाँ हाँ, अभी कुछ घंटों पहले ही आईसीयू में भर्ती हुए हैं। क्या हुआ क्या उन्हें? एक मिनट डॉक्टर। यस डॉक्टर अनुज, ये आईसीयू वार्ड के पेशेंट मिस्टर मयंक कुमार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। एक मिनट जरा इसी को उस तरफ ले जा। क्या हुआ क्या उन्हें? काफी चोट लगी थी इन्हें, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। अभी कुछ देर पहले मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया है कि आकर उनका बयान ले लें। अब हालत कैसी है उनकी? अभी खतरे से बाहर है, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। चलिए। अरे वडवन, क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? डॉक्टर साहब, ऊपर से एक लड़की खिड़की से छलांग लगा रही है। तुम इसी के साथ यहाँ बैठना। कहाँ है वो लड़की, कहाँ है? अरे कहाँ है वो लड़की? आईसीयू वाले कमरे पे। रुक जाओ, लड़की तो हाथ से निकल गई, पर ये यहां करने क्या आए थे? क्या तो मर चुका है? ऑक्सीजन पाइप से इसका गला घोटा गया है। कौन है आदमी? सर ये तो वही है मयंक कुमार जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये वही मयंक कुमार है? यस सर। ओह नो। तो सर इसका मतलब वो लड़की मयंक कुमार को मारने के लिए आई थी। एक काम करो, इनकी फोटो ले लो, कंफर्म करना होगा इसी से के ये उसके पापा मयंक कुमार है क्या। चलिए। दया अंकल, आप उदास क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल इशि बेटा, ये फोटो देखो, क्या यही आपके पापा हैं? हाँ ये तो मेरे पापा ही हैं, ये तो सो रहे हैं। हाँ बेटा सो रहे हैं। इनको जगा दीजिए। निखिल इसी को बाहर ले जाओ। जाओ बेटा। क्या हुआ सर? एक लड़की इसी के पिता का खून करके भाग गई। क्या सर, वो आईसीयू के अंदर कैसे घुसी? इस वक्त विजिटर्स के आने का समय होता है तो कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। मगर रिसेप्शन में एंट्री तो होती होगी ना आने जाने वालों की? एंट्री होती है, उसके बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये रिसेप्शन एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज दिखाओ। रिसेप्शन एरिया का विजिटिंग आवर्स का फुटेज दिखाओ। यस सर। एक मिनट पॉज करो, यही है वो। श्रेया जरा इसी को ले आना। सर। श्वेते श्वेता। हेलो बेटा। दया अंकल आप टीवी देख रहे हो? हाँ बेटा मैं टीवी देख रहा हूँ और अभी आपको भी दिखाता हूँ टीवी, जरा देखो। आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं। नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम है क्या करना है? सर मालूम है क्या करना है। गुड। हाँ पंकज। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। क्या सर? ईशी और उसके पापा मयंक कंफर्ट पैलेस नाम की होटल में ठहरे थे
और सर उस होटल से निकलने से पहले मयंक को एक फोन कॉल आया। पंकज उस फोन कॉल के बारे में पता कर रहा है। बेटा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आपको नूडल्स पसंद है ना? हाँ? तो फिर नूडल्स क्यों नहीं खा रहे हो? आप दूध पियोगे? दूध बहुत अच्छा होता है। दूध पीने से ना हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मुझे दूध बहुत पसंद है। मैं बहुत सारा दूध पीता हूँ। आप पियोगे? नहीं? पापा का। पापा बेटे बहुत जल्द आ जाएंगे। अरे रेडी तुम भी ना यार, बच्चे को कुछ सुनाओ, कुछ डांस वांस करके देखो। आप फ्रेडी अंकल का डांस देखोगे? बहुत अच्छा डांस करते हैं फ्रेडी। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं एकदम अच्छा अच्छा डांस करके दिखाता हूँ। हाँ बोलो, रेडी? रेडी, आई शाबाश। देखो डांस देखते देखते नूडल्स भी खा लो। वेरी गुड। अच्छा लगा आपको फ्रेडी सर का डांस? एला मन नहीं है। क्यों बेटा, मन क्यों नहीं है? मन नहीं है। आपको ठीक नहीं लग रहा? रे आपको तो बुखार है। क्या हुआ, इशी को बुखार है? हाँ बुखार है इसको। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर प्रकाश, आप थोड़ी देर के लिए ब्यूरो आ सकते हैं क्या? नहीं एक्चुअली हमारी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, उसको थोड़ा फीवर आ गया है। अरे तो बहुत अच्छा है। ठीक है वेट करता हूँ। प्लीज प्लीज थैंक यू। तो यहीं आसपास ही घूम रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, घबराओ मत। दवाई भी नहीं पीऊंगी। अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो बेटा दवाई तो खानी पड़ेगी, अब दवाई खाओगी तो फट से अच्छी हो जाओगी। हैं सर? आशा सर, मैंने मयंक कुमार के बारे में पता किया। वो पूना में रहते थे, बिजनेसमैन थे। ओह पूना से आया था? खूनी पूना से मुंबई तक उसका पीछा करते आ गया। उस खूनी से बचते बचते मुंबई आया ताकि बेटी को बचा सके, लेकिन जब तक वो खूनी लड़की खुला घूम रही है ना, इसी की जान को खतरा है। अगर उसने इसी की तरफ नजर उठा के भी देखा ना, जान से मार दूंगा मैं उसे। अरे डॉक्टर प्रकाश। अभिजीत जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। अच्छा ये हमारी नई मरीज, देखिए जरा। क्या हुआ बेटा आपको? बुखार है इसे। देखिए तो आपका हाथ, देखो तो एक मिनट बेटा, क्या हुआ आपको? वैसे घबराने की कोई बात नहीं, हल्की सी बुखार है। मैं एक दवा लिख देता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। वैसे मेरे ख्याल में इसे अच्छी लंबी नींद की जरूरत, 8-10 घंटे वाली। की गुड़िया रानी? मेरा नाम गुड़िया रानी नहीं है, मेरा नाम ईशी है। अच्छा ईशी रानी, अब तो खुश बेटा। डॉक्टर साहब आप मुझे वो दवाई का नाम बता दीजिए, मैं लेके आ जाऊँ। जरूर जरूर। और अपनी फीस भी बता दीजिएगा। क्यों शर्मिंदा करते हो यार, कभी फुर्सत है मुझे डिनर पे बुलवा लेना। थैंक यू। देखा, नो इंजेक्शन नो दवाई। जी कहिए। जी मुझे ये चेक कैश करवाना है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। ओके आप बैठिए ना प्लीज। श्योर। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी। बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। प्लीज थोड़ा जल्दी। इसी भी प्रद्युमनिया। सर मैं TZMA बैंक का मैनेजर अतुल बोल रहा हूँ। हाँ मैनेजर साहब कहिए। सर जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। सर बैंक में एक लड़की आई है जो कि मयंक कुमार के अकाउंट से 40 लाख रुपया निकलवाना चाहती है। एक काम कीजिए आप, थोड़ा वक्त लगाइए, बस हम लोग अभी अभी पहुंचते हैं। ओके सर। लीजिए मैडम पूरे 40 लाख, आप चाहे तो गिन सकते हैं। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आपका बैंक आपके ग्राहकों के साथ कभी चीटिंग नहीं करता। वो तो है। थैंक यू। वेलकम। आजी। हेलो सिंह साहब, वो लड़की अभी अभी बैंक से बाहर गई। उसने नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ है और उसके हाथ में ग्रे कलर का ब्रीफकेस।
ठीक है थैंक यू। सुनो सब लोग, नीला ड्रेस पहना है लड़की ने और उसके हाथ में एक बैग है। सर आगे वो लड़की। सर मगर ये वो लड़की नहीं जिसने मयंक का खून किया। अरे इसे गिरफ्तार कर लो क्या? नहीं जयवंती, इसे गिरफ्तार नहीं करते, इसका पीछा करते हैं। सर जब हम इसे गिरफ्तार कर सकते थे फिर हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? जयवंती इसलिए हम पीछा कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं वो जो 40 लाख रुपए उसने मयंक के अकाउंट में से जो निकाले हैं ना, वो पैसे लेकर कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने वाली है। इसलिए सर इसने गाड़ी तो जगत नगर की तरफ मोड़ ली पर वो इलाका तो बिल्कुल सुनसान है। देखते हैं सचिन, गाड़ी पर नजर टिकाए रखना। ये यहाँ क्यों रुक गई है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा। ये जरूर अपने साथी का इंतजार कर रही है। हाँ सर, उसी साथी का इस लड़की ने मयंक को मारा शायद। सर आपकी बात सही निकली सर, उसका पार्टनर आ गया। ये लो। इन दोनों में तो आपस में तू तू मैं हो रही। चलो लगता है हमारा टाइम आ गया है। मैंने इतना सब कुछ किया ये लेकर आए और... मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? समझी तुम? इतना बड़ा काम किया मैंने और तुम? पैसे देता हूँ मैं, पैसे देता हूँ। बात खराब हो गया। क्या हाल है आप लोगों के? इस शहर को क्या हो गया? अजनबी लोग हालचाल पूछने लगे। अरे भूल गए हमको, हमारा आपका तो पुराना रिश्ता है। सीआईडी वालों को भूल गए? सीआईडी? हाँ सीआईडी से मयंक को मरवाने के बाद उसका पैसा लेकर रफू चक्कर होने का इरादा था। क्यों? क्या मयंक की मौत हो गई? और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों मयंक को मरवाऊंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। कह दीजिए कि ये झूठ है, वो नहीं मर सकता। मयंक से बहुत प्यार करती थी ये, इतना प्यार करती थी कि उसको पूछे बगैर उसके अकाउंट में से 40 लाख रुपए निकाल लिए है ना, और कह रही है कि इसे पता तक नहीं कि मयंक की मौत हो चुकी है। देखिए सर इन सब चीज से मेरा क्या लेना देना? वैसे आप दोनों की तीसरी साथी कहाँ है? कौन तीसरी साथी सर? ये है वो लड़की जिसने मयंक को मारा, ये है तुम्हारी तीसरी साथी। इसने मयंक को मारा है? सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं मिली हो? चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिलवा देते हैं तुम्हें इस लड़की से। शहर में इतना ट्रैफिक मैडम कि पूछिए मत, पार्किंग तो कहीं मिलती ही नहीं और सड़क इतने गड्ढे कि पूरे दिन टैक्सी चला चला के पीठ पूरी टूट जाती। भैया आप यहाँ साइड पे रोक दीजिए। अरे ये तो वही लड़की है, सीआईडी ढूंढ रही है।
कुछ तो गड़बड़ है। हेलो सीआईडी, दो मिनट प्लस वायर मेरा लगता है खराब हो गया, मैं देख के आता पहले ही पता चल गया था इसके भागने के स्टाइल से, ये लड़की नहीं लड़का है। क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अजय बेटा आजा, हम वहां जाके खेलते हैं, आ जाओ। पूना आंटी को क्या हुआ? आ जाओ। शर्मानी चाहिए आपको, एक बच्चे से ऐसा बर्ताव? प्लीज आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे क्या बर्ताव करना है। इतना घमंड अच्छा नहीं समझी, मयंक से शादी करने वाली थी ना तुम, शादी के बाद क्या ऐसा ही बर्ताव करने वाली थी बच्ची के साथ? इसीलिए मैंने मयंक के साथ शादी का इरादा बदल दिया था और मैं विकास के साथ शादी करना चाहती थी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा तो फिर हर शाम को मेरे साथ कॉफी पीने क्यों जाते थे? देखिए सर, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं मयंक नाम के आदमी को जानता भी नहीं हूँ। सर मैंने इसके मुंह से एक दो बार उसका नाम सुना है बस। सर ये सच कह रहा है, इसने मयंक को कभी नहीं देखा। आप जरा इधर आइए। जी ऋषि बेटा, आपने कभी विकास अंकल को देखा है? नहीं तो ठीक है, आप खेलो। सर अब तो यकीन करिए सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने मयंक को नहीं। ठीक है फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे।
वाह रे वाह, कैसा प्यार है तुम्हारा। पहले मयंक पर प्यार करती थी और फिर अचानक विकास पर प्यार करने लगी है? मैं जानती हूँ कि ये सुनने के बाद आप मेरे लिए कोई अच्छी राय नहीं रखेंगे, लेकिन ये बात सच है कि मैं मयंक से प्यार नहीं करती थी। मैं तो सिर्फ उसके साथ उसकी दौलत के लिए थी, है ना? दो बच्चों के बाप के साथ मैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? मयंक के दो बच्चे थे? हाँ, इशी और उसका भाई। लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? श्रेया, इशी आपका कोई भाई है? नहीं तो। इशी को तो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन मयंक के मुंह से सुना था कि उसका एक बेटा भी है और रामू काका के बारे में भी वो कुछ बोल रहा था। अब ये रामू कौन है? सब मुझे नहीं मालूम। सचिन, जयवंती, देखो जरा घर में अच्छी तरह से देखो, एक एक कोना छान मारो। यस सर। सर, ये मयंक के नेबर से। आइए 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 आइए, जरा बताइए मयंक जी यहाँ इस घर में कितने सालों से रह रहे थे? यही सर, कोई 10-11 सालों से। वैसे मयंक जी का पहले तलाक हुआ था ना? हाँ सर, इस बात को तो 9 साल हो गए। फिर ममता यानी कि उनकी पहली पत्नी कनाडा शिफ्ट हो गई, तब से उनकी कोई खबर ही नहीं है। उनको कोई बेटा वगैरह था? नहीं सर, उनकी तो एक ही बेटी थी, इशी। मनु सर। हाँ सर, कमरे से ये ब्रेसलेट मिला है जिसके ऊपर मनु लिखा हुआ। मनु? क्या आप किसी मनु को जानते हैं? नहीं सर, इस नाम का तो उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। खैर, मयंक का एक वफादार नौकर था रामू, क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, इस नाम का कोई उनका नौकर भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मयंक जिस घर में यहां रहने से पहले रहता था, शायद ये रामू वहीं पर था। सर, मयंक के पुराने पड़ोसी बता रहे थे कि रामू काका अंबावाड़ी के इसी चौल में रहते थे। देखते हैं सचिन, इस रामू काका के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब जी, यहाँ इस चौल में कहीं रामू काका रहते हैं क्या? इस नाम का तो कोई नहीं रहता यहाँ पे। एक मिनट। हाँ जी, रहता था, 10 साल पहले ही रहता था। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। तो रामू काका के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया? क्या मतलब, क्या हुआ रामू काका के साथ, कुछ हुआ क्या? हमने सुना था कि वो अपने मालिक के बच्चे को लेकर भाग गया, वो बच्चे को लेकर यहाँ आया भी था। हाँ। बोरियां बिस्तर लेकर यहाँ से चला गया, शायद बच्चे को लेकर गांव भाग गया और दोबारा कभी लौटा नहीं। सर, अगर मयंक के बेटे को रामू काका ने किडनैप किया है तो फिर मयंक फोन पे अपने बेटे के बारे में रामू काका से बातें क्यों करता था? देख रहा होगा रामू काका उसके बेटे के बारे में कुछ जानता है क्या। वैसे रामू काका का गांव कहाँ पर है? सर, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर केतनगढ़। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, मयंक ने मनु के गायब या अगवा होने की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वही तो, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। भाई साहब। जी सर। अरे भाई साहब, ये रामू काका कहाँ रहते हैं कुछ मालूम है आपको? सर, वो रहे रामू काका। अच्छा, थैंक यू। आप रामू जी हैं? हाँ, आप मुझे जानते हैं? हमें तो ये भी पता है कि कई साल पहले आपने एक जुर्म किया था। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे मालिक मयंक, उनके बेटे को तुमने ही अगवा किया। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, हम लोग सीआईडी से
इसलिए झूठ बोल के आप बचने वाले नहीं। सीआईटी, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने मैंग साहब के बेटे को अगवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद उसे मुझे सौंप दिया था। कोई बाप अपने बेटे को आपको क्यों देगा परवरिश करने के लिए? उनके पास पैसों की कुछ कमी थी क्या? नहीं साहब, बल्कि वो खुद मुझे पैसा दिया करते थे ताकि रोहन बाबा के देखभाल में कोई कमी ना पड़े। रोहन, ये रोहन कौन है? प्यार से हम लोग मनु कहते थे, असली नाम रोहन है। ये मयंक ने रोहन को तुम्हें क्यों सौंपा? साहब, उनकी जिंदगी को किसी से खतरा था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी मौत के साए में पलना पड़े। किससे खतरा था उनकी जिंदगी को? ये तो मुझे पता नहीं। चलो जरा बुला, रोहन को बुला। साहब, वो यहाँ नहीं रहता, वो तो मुंबई में रहता है। क्या मुंबई में रहता? एक छोटे बच्चे को तुमने अकेले छोड़ दिया? छोटा बच्चा? वो तो हट्टा कट्टा जवान है सर, वो अपनी देखभाल कर सकता है। 25 साल का है वो। क्या? वो 24-25 साल का है? वो साहब की पहली बीवी का बेटा है ना रोहन। उसका फोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, अभी मैं देता हूँ। लाओ। क्या? ये रोहन है? आप जानते हैं इसे? रामू, इसी ने अपने बाप मयंक का खून किया है। मयंक साहब का खून हो गया? जी हाँ, बेटे के हाथों। ऐसा नहीं हो सकता साहब, इस बेचारे को पता भी नहीं है कि मयंक साहब इसके असली पिता है। क्या? मुझे उसे शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। एक काम करो, अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ, शहर चलते हैं जल्दी। सर, अगर इस मयंक को रोहन ने मारा है तो क्या ईशी की जान के पीछे भी रोहन ही पड़ा है? सचिन, चाहे जो कुछ भी हो, मगर ईशी को एक खरोंच तक आनी नहीं चाहिए, एक खरोंच तक। अरे, वो क्यों भाई, हम क्यों बुरे हैं? क्योंकि आपने उस दिन मेरे से प्रॉमिस करा था कि आप आइसक्रीम दिलाओगे। ओह, अरे हाँ, बट दया अंकल फिर से आपको वादा करते हैं कि आपको आज हम फिर आइसक्रीम खिलाएंगे। कब? अभी, पर उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। गुड गुड ईशी बेटा, इसे जानते हो? हाँ, ये तो एक दिन मुझको चॉकलेट दिलाने ले गए थे और उन्होंने दिलाई नहीं और कमरे में बंद कर दिया और मैं रोती रही और फिर अगले दिन मेरे पापा ले गए और वहाँ से ले गए वो मुझको। सर, ये रोहन कैसा आदमी है? अपने पिता का खून कर दिया, उसके बाद अपनी ही बहन को अगवा कर लिया। एक बार हाथ में आ जाए ना, फिर देखना क्या हाल बनाता हूं उसका। अरे, अरे? क्या हुआ ऐसी? सर, गले में चिपा टक गया होगा। ये पानी पियो। आप ठीक हो? डॉक्टर अंकल को बुलाओ। ओहो, दया अंकल, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हल्की सी तो खांसी हुई है। हाँ, ये तो है। चलो, आज हम ईशी को अभी आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। पंकज, बच्चे को बाहर ले जाओ आइसक्रीम खिलाने। आ जाओ बेटा। क्यों नहीं? अरे बेटा, आज दया अंकल को कुछ जरूरी काम है। ओके, तो आज पंकज अंकल आपको लेके जाएंगे आइसक्रीम खिलाने। आ जाओ। ये गई मेरी रानी आइसक्रीम खाने पंकज अंकल के साथ। चलो आइसक्रीम। सर, जब तक ये रोहन पकड़ा नहीं जाता, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। रामू,
रामू काका। साहब मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? कुछ काम से बुलाया तुम्हें। मैं ठहरा साहब जी, छोटा आदमी, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ? आ सकते हो, बहुत काम आ सकते हो। रोहन को फोन करो और उसे मिलने बुलाओ। एक बार ये रोहन हाथ लग जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रुक, भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? तेरे बहुत नाटक हो गए, भाग के जाएगा कहाँ? गोली चली क्या आवाज? गोली चली क्या आवाज कहाँ से? अरे किसने मार दी गोली? मर गया क्या? हाँ। ये? अजीत, ये? किसने मारी गोली से? पता नहीं सर। बैठो सर। कुछ नहीं होगा, गाड़ी लेके आओ जल्दी। उठाओ उठाओ सर। इसी कौन सा आइसक्रीम खाओगे बताओ जल्दी? पिंक वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, कौन सी वाली? ग्रीन वाली खानी आपको? हरी। अरे वाह वेरी गुड, हरी वाली आइसक्रीम बोलो अंकल को। एक ओके अंकल, एक हरी वाली आइसक्रीम देना। अरे गिल, अच्छा रोनब खतरे से बाहर है? ठीक है, जैसे उसे होश आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके ओके। बेटा आप एक काम करना, आप इधर रुको, अंकल आइसक्रीम दे रहे हैं, मैं वो आंटी की हेल्प करके आता हूँ। हाँ इधर ही रुकना। अरे उठिए। अरे कैसे गिर गई? मत पूछो बेटा, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, शायद वो बदमाश था। कहाँ था बताइए मुझे, कौन था वो? इसी अरे अरे वो बच्ची को लेके आया था मैं, वो बच्ची कहाँ पे गई? पता नहीं सर बच्ची कहाँ गई। ले लीजिए आपका दो आइसक्रीम। अरे तेल लगाने गई आपकी आइसक्रीम। इसी इसी अरे अब दया सर। आप अंकज बोलो क्या हुआ? क्या मगर कैसे पंकज तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। अभी फोन रखो। अभी अननोन नंबर। हेलो। हाय हेलो, मैं वक्त बर्बाद मत करो। कौन? ईशी की जान को खतरा है, उसकी सांसें रुक भी सकती है। अबे सुन, ईशी को अगर कुछ हुआ ना तो अपना जिंदा होने पर बहुत पछताएगा तू, समझा? धमकी नहीं दया, मैं हूँ मैं इधर। मैं कौन हो तुम और चाहते क्या हो? रोहन, रोहन चाहता हूँ और ईशी को ले जाओ। हेलो 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 बेटा, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं पिताश्री, आप कभी इंतजार कराते ही नहीं। तुम इतना बड़ा धोखा? लोहे को लोहा काटता है और धोखेबाज को धोखा।
जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दें? पहले बता ईशी कहाँ है? मेरे परिवार की जान ली थी, मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने रामू काका को पैसे दिए, ये वो मयंक के बेटे रोहन के दिल में मयंक के लिए नफरत बोए और मेरा सपना उस दिन साकार हो गया जिस दिन मयंक के बेटे रोहन ने मयंक की खुद ब खुद जान ले ली। कमाल है, एक बेटे के हाथों पिता को ही मरवा दिया तुमने। मैं तो रोहन को भी जान से मरवा देना चाहता था, लेकिन मेरे आदमियों ने जब मुझे वो लॉकेट लाकर दिखाया तो मुझे पता चला कि वो लॉकेट तो मैंने बचपन में अपने बेटे के गले में डाला था। विकास जी ने हमें फोन करके पूछा कि उसके गले में जो लॉकेट है वो कब से है। मैंने उन्हें बताया कि लॉकेट तो रोहन का ही है और बचपन से उसके गले में। और तब मुझे एहसास हुआ कि मयंक ने मेरे बेटे की जान नहीं ली थी बल्कि उस मयंक ने तो मेरे बच्चे को फूलों की तरह पाला था। मुझे क्या पता था कि मेरी बदले की आग ही मेरे गले का कांटा बन जाएगी। बदले की आग उस हाथ को भी जला देती है जो उस आग को चिंगारी देता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
इसी को भी तुमने ही किडनैप करवाया था। रोहन तुम यहाँ बिल्डिंग में कैसे आए? ये सारी बात एक वार्ड बॉय से पता चली, जो पापा के लिए काम करता था, कि वो सीआईडी से मुझे इसी के बदले मांगेंगे, लेकिन जब बदला बदली नहीं हुई तो मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ आ पहुंचा। इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाया होता तो आज जेल नहीं जा रहे होते तुम लोग। अदालत कड़ी से कड़ी सजा देगी तुमको, शायद फांसी। ले जाओ इन्हें। अरे इसी बेटा। दया अंकल मेरे पापा कब आएंगे? बेटा पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा तब तक ना आप श्रेया दीदी के साथ उनके घर में रहना। यस। नहीं, मुझको आपके साथ ही रहना, पर बहुत खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। हाँ बेटा आओ। ठीक है इसी बेटा हमारे साथ रहेगी, हम बहुत सारा मस्ती करेंगे और बहुत सारा खेलेंगे। ओके खूब आइसक्रीम खाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.